अस्सलामुअलैकुम जी क्लास, होप यू विल बी फाइन। माई नेम इज़ मिस उरूज इम्तियाज़ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। टूडे वी विल रीड अबाउट यूनिट नंबर 1 एंड द नेम ऑफ यूनिट नंबर 1 इज़ हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर कंप्यूटर। आज हमने अपने लेक्चर में ये पढ़ना है कि हम अपने कंप्यूटर को किस तरह टेक केयर कर सकते हैं, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। योर कंप्यूटर इज़ of great help to you, you must take care of it. Here are some instructions that will help you take care of your computer. Number 1, keep your PC cool. Number 1 क्या है हमारे पास कि अपने कंप्यूटर को कूल रखें। कैसे? Keep your computer in a well ventilated area. By doing this, you help keep the PC cool. It will prolong the life of your hardware. आपने अपने कंप्यूटर को जो है वो कूल और वेल वेंटिलेटेड जगह पे रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसको हवा पहुंचती रहेगी, उसकी मतलब हीट अप नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा, प्रोलॉन्ग मीन बढ़ाना, उसकी हार्डवेयर की लाइफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, कीप योर कंप्यूटर क्लीन। अपने कंप्यूटर को साफ रखें। किस तरह रखें? कीप योर कंप्यूटर क्लीन, डस्ट इट और कीप इट कवर्ड विद क्लॉथ ईच डे। क्लीन इट वंस बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क। कीप द वर्क एरिया ऑल्सो क्लीन। सबसे पहले क्या करना है कि जब आप काम स्टार्ट कर रहे हो, उसको डस्ट ऑफ करें, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने काम कंप्लीट करने के बाद इसको एक क्लीन जो है वो कपड़े से कवर कर देना, ठीक है। और जो एरिया है उसका, उसको भी क्लीन रखना है, ठीक है। कीप फूड एंड ड्रिंक अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको अपने कंप्यूटर से दूर रखना है। डोंट ब्रिंक फूड और ड्रिंक नियर योर कंप्यूटर। डोंट स्पिल एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर। ईट और ड्रिंक अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर। खाने पीने की चीज़ों को उससे दूर करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ के ऊपर नहीं गिरानी, और खाना पीना जो है वो अपने कंप्यूटर से आप लोगों ने दूर रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? डोंट ड्रॉप योर कंप्यूटर। डोंट ड्रॉप द कीबोर्ड और द माउस। सिमिलरली डू नॉट ड्रॉप एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर। डोंट लीव योर कंप्यूटर ऑन द एज ऑफ योर डेस्क और टेबल। देखें, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल कॉर्नर पे जो है वो कंप्यूटर को रखा गया है। इस तरह आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। इसके गिरने का खदशा होगा। और इसके अलावा इसके पास देखिए एक ग्लास पड़ा है दूध का आप लोगों ने, और एप्पल वगैरह जो भी इस तरह की खाने पीने की कोई चीज़ नहीं रखनी इसके पास, ठीक है। उसके अलावा जो है वो इसको बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि इसके गिरने का जो है वो खदशा होगा। यूज़ योर कंप्यूटर जेंटली, मतलब कि अपने कंप्यूटर को आराम से इस्तेमाल करें। उसके कीबोर्ड की कीज़ को जल्दी से पुश नहीं करना, बदतमीजी से नहीं पुश करना। माउस के बटन्स को हार्डली यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये आप लोग टेक केयर करो कि अपने कंप्यूटर को, तो ही वो ज़्यादा देर यूज़ कर सकते हो आप, अदरवाइज जो है वो ख़राब हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखिए, यूज़ डिवाइसेस प्रॉपरली। डिवाइसेस को प्रॉपरली यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है? Number 1, पिक्चर में देखें, डोंट यूज़ डैमेज केबल्स। डैमेज केबल्स को नहीं यूज़ करना, ठीक है। जो जिनकी वायर ख़राब हो, करंट लगने का खदशा हो, उनको नहीं यूज़ करना। और देखें इस तरह कितने बुरे तरीके से जो है वो इन्होंने अटैच की गई हैं। इनको बिल्कुल सही तरीके से अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डोंट पुट एनीथिंग अदर देन अ डिस्क इन द डिस्क ड्राइव। जो डिस्क ड्राइव है उसमें डिस्क के अलावा किसी भी चीज़ को जो है वो पुट नहीं करना। डोंट ट्राई नीडल एक्सेट्रा इन द होल्स द कंप्यूटर। देखें कंप्यूटर के होल में जो है वो कोई भी सुई या इस टाइप की बकल वगैरह, इस टाइप की कोई भी चीज़ जो है वो आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद देखिए, होल डिस्क बाय द एजेस। डिस्क को आपने कॉर्नर से पकड़ना है। कीप मैग्नेट अवे। अपने डिस्क से मैग्नेट को दूर रखना है, इससे डाटा जो है वो उड़ जाता है, ठीक है। डाटा के डैमेज होने का खदशा होता है। कीप डिवाइसेस गुड कंडीशन। डिवाइस को जो है वो गुड कंडीशन में रखना है जी। देखिए लास्ट, शट योर कंप्यूटर प्रॉपरली। अपने कंप्यूटर को जो है प्रॉपरली शट डाउन करना है। कैसे करना है? आपने अगर कोई फाइल ओपन की हुई है तो सबसे पहले उन सब फाइल्स को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद जो आपने स्टार्ट बटन में जाके वहाँ से शट डाउन के बटन को प्रेस करके उसको शट डाउन करना है, ठीक है। और अगर कोई ऐप इस तरह की ओपन की है या कोई फाइल है उसको सेव करना है तो उसको सेव कर लें। लास्ट देखिए, 8th पॉइंट है, प्रोटेक्ट द LCD।
आपकी जो एलसीडी स्क्रीन है उसको प्रोटेक्ट करें, उसको किसी मलमल के या किसी नरम कपड़े से, नरम टिश्यू से उसको साफ करें, और आपकी कोशिश करें कि आपके फिंगरप्रिंट्स जो है वो उसके ऊपर नहीं लगने चाहिए। जी यहाँ पे हमारी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपना बुक वर्क और क्वेश्चंस आंसर को देखेंगे। थैंक यू सो मच।